ये दोस्तों, मैंने आपको ये सॉन्ग बजा के दिखा दिया है पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों, अब हम ये सॉन्ग सीखेंगे धीरे धीरे एक फिंगर से। दोस्तों, सॉन्ग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये एकदम फ्री होता है और ये आपका फ़ायदा है। देखिए, ऐसे अच्छे अच्छे और भी अच्छे सॉन्ग मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलेगी और आप सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये सॉन्ग शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सॉन्ग यहाँ से बजाऊंगा, लोअर ऑक्टेव के कोमल नी से बजाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से सुर यूज होंगे वो बता दे रहा हूँ आपको। पहले हम इस सॉन्ग को नीचे वाले ऑक्टेव में देखेंगे, जैसे नीचे वाली स्केल सी, हम ये सी स्केल में देख रहे हैं, समझो सी स्केल। तो हमारा ऑक्टेव का मध्य सप्तक ये हुआ नीचे का। तो देखिए, इसके सुर रा रे गा मा पा धा नी सा, रा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये हुआ। अब कहाँ तक इसमें यूज होने वाला है ये देख लीजिए, क्या क्या यूज होने वाला है। तो देखिए, कोमल नी लगेगा लोअर ऑक्टेव का, सा लगेगा, रे लगेगा, गा लगेगा, मा लगेगा, तीव्र मा, नहीं मा नहीं लगेगा, सॉरी, ये मा नहीं लगेगा दोस्तों, तीव्र मा लगेगा, मा की जगह तीव्र मा लगेगा। पा लगेगा, धा लगेगा, ठीक है, नी लगेगा, हायर ऑक्टेव का सा लगेगा, ठीक है, रे लगेगा, गा लगेगा, फिर ये तीव्र मा लगेगा और ये पा लगेगा। ठीक है दोस्तों, हायर ऑक्टेव के क्या क्या लगने वाला, सा रे गा तीव्र मा और पा। ठीक है, मिडिल ऑक्टेव के क्या लगने वाला, सा रे गा तीव्र मा पा धा नी। ठीक है, और लोअर ऑक्टेव से लगेगा सिर्फ नी को मन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग कैसा बजेगा। तो पहले ये देखिए, तो कैसा बजाइए, यहां से बजा धीरे धीरे। ऐसा वो पहले ये देख लीजिए, पहले ये सिंपल लाइन देख लीजिए, सीधे यहां से जो चालू हुए तो यहां रुकना है। ठीक है, यहां पे फिर इसके बाद एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, एक बार और, एक बार और, ठीक है, इसके बाद आएगा। कैसा है ये देखिए, एक बार और देख ले, एक बार और, एक बार और, एक बार और। ठीक है, सीधे बहुत प्यार करते हैं तुम लोग, तो ये स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसका ऐसा है, इसको बहुत तरीके से, इसकी पहली लाइन आने बजाई जा सकती है, जैसे बहुत प्यार करते। देखिए, एक तरीके मैं जैसे बजाता हूँ, मैं इसका यूज करते हुए ये बहुत हो गया, ये मेरा स्टाइल। देखिए,
ठीक है, एक स्टाइल और है, तो जैसे यहां दो बार मारे थे, इसमें यहां दो बार, ये कोई भी बजा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो बजा लीजिएगा, ठीक है। एक बार और, कसम चाय ले लो, ये म्यूजिक है। एक बार और, अब आइए कसम चाय ले लो। कैसा है म्यूजिक के बाद? एक बार और देखिए, एक बार और, कसम चले लो, खुदा की कसम, एक बार और, ठीक है, फिर बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, एक बार बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, पर उसके बाद एक अलग स्टाइल में बंद हो। देखिए ये लाइन देखिए, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए इसका इंटरलूड कैसे बजेगा। तो इंटरलूड को देखिए, मैं बजा के दिखा रहा हूँ पहले लाइन। ठीक है, तो कैसे बज रहा है देखिए। एक बार और देखिए, एक बार और, एक बार और देख लिए, एक बार और, फिर एक बार और देखिए, देखिए ये देखिए, देखिए एक बार और, तो कैसा बजेगा? इसमें इसका हल्का सपोर्ट है, आपको लगा तो आप लगा ले।
इसके बाद अंतरा बजेगा हमारी गजलें तो सब्र तुम्हारा। देखिए सुन लीजिए लाइन धीरे धीरे। देखिए एक बार सिंपल है, इसमें डबल फिंगर का यूज होता है। आप सिंपल बजा लेना इसको, ऐसा नहीं चलेगा आपका तो ये बजा लीजिए। तुम्हारे बिना वो सेम नोट्स लगेंगे तुम्हारे बिना, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जो तो स्टार्टिंग में है वैसा ही। इसमें नोट्स डाल दूंगा देख लीजिए। एक बार और ठीक है दोस्तों, तो ये सॉन्ग हुआ कंप्लीट। आपको ये सॉन्ग पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें कि सभी लोग सीख सके। दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट सिखाया है, देखिए इसका मैंने स्टार्टिंग का म्यूजिक सिखाया आपको, मुखड़ा सिखाया दोस्तों, इसका इंटरलूड सिखाया दोस्तों, इसका अंतरा सिखाया है। सेकेंड जो अंतरा है वो सेम इसी नोट्स में है अंतरे का, इसलिए मैं उसे नहीं सिखा रहा हूँ। इतना काफ़ी दोस्तों, ये बहुत हार्ड गाना है, सरल नहीं, क्योंकि हार्ड सिर्फ ये है कि इंटरलूड हार्ड है, बाकी सॉन्ग तो बहुत ईजी है, सभी ने बाकी लोगों ने बजाया है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए नए पुराने गाने सीखने के लिए और अपने हारमोनियम इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए बाय बाय।